ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਗੀਤ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ इतिहास के अपने विरसे के नेड़े भी होए तो नौजवानों ने यह भी समझा भी असल दे विच इनकलाब हुंदा की आ। साडे नाल मौजूद ने पम्मी बाई जी स्वागत है सत श्री अकाल। धन्यवाद जी सत श्री अकाल। बाई जी लगता गा अज आह कट्ठ देख के 1.5 लाख की संख्या पार कर गया कट्ठ ये कट्ठ देख के लगता गा भी जिहड़े नौजवान वो समझ चुके ने भी असल दे विच इनकलाब का मतलब हुंदा की। देखो गल हैगी है कि साडी पंजाब दी नौजवानी पंजाब के हर वर्ग के लोग किरती किसान मजदूर कामे छोटे दुकानदार छोटे बिजनेसमैन उन्हां सारयां नूं पता लग गया कि ये लड़ाई साडे लई लड़ी जा रही है ये लड़ाई देश की इकोनोमी लई लड़ी जा रही है कि देश की इकोनोमी महज कारपोरेट हाउसां दे विच रखनी है जां उहदे विच साडा भी कितें योगदान है साडा भी कितें हिस्सा हैगा। अज तक साडे किरतियां नूं कामयां नूं मजदूरां नूं किसानां नूं नेगलैक्ट ही कीता गया हैगा सो छोटी छोटियां सबसिडियां दे के उहनां नूं पछकाउण दी कोशिश कीती गई है सो साडा भी देश दे विच उन्ना ही योगदान है। सो मैं आई सल्यूट टू ऑल जिहड़ियां किसान जथेबंदियां दे लीडर ने सारे उन्होंने नतमस्तक होना कि उन्होंने एड्डी वड्डी कंट्रीब्यूशन हैगी है कि जिन्होंने इस जन अंदोलन बना दिता। जी 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 पम्मी जी जिहड़ा असली जिहड़ा नशा गा जां कह दईए आपां सब तो खतरनाक नशा गा वह हैगा सत्ता का नशा। एम सी इलैक्शन होकर हटियां तुसीं भी शहर दे विच रहिंदे हो लगता गा भी हजे भी कितें ना कितें होर वर्क करन दी लोड़ आ जिहड़ा अंदोलन आ वह शहरां दे उस वर्ग तक नहीं पहुँचिया जिहड़े असिधे रूप दे विच किसानी दे नाल संबंध रखदे भी उत्थे भी पहुँचना चाहीदा उवें ही पग्गां लैना उवें ही नशा वंडिया गया भी वह चीज़ भी हजे कितें ना कितें वर्क करन दी लोड़। देखो गल इह है कि सियासी चारा जिहड़ा हैगा वह अज मजबूर होया पिया सियासी चारे नूं इसे गल दा खतरा होया पिया कि जे ये जन अंदोलन लोग होर जागृत हो गए फिर असीं कित्थे जावांगे क्योंकि कारण यह हैगा जबकि इस अंदोलन का कोई अकीदा नहीं हैगा सियासत लड़न का इस ये अंदोलन लोगों के लिए है लोगों का सलाब बन गया तो कल्ले पंजाब जां हरियाणे का नहीं पूरे भारत का बन गया तो ये जिहड़े सियासी आकाज ने इन्हां नूं भी डर लगन लग गया ये आपदियां जमीनां साडियां कितें खिसक ना जाण लोग अवेयर ना हो जाण लोग सानू इलैक्शनां दे विच क्वेश्चन ना पुछण लग जाण क्योंकि हाले टाइम लगना है लोगों की मानसिकता चेंज कर लग्या एक दिन च नहीं ये कुछ आता हुंदा ते इहनू टाइम लगना है। पर मैं फिर भी कहिंदे ने बड़ा धन्नवादी हाँ जथेबंदी दे सारे लीडरां दा कि उन्होंने कुछ तो लोगों अवेयर किया। जी जी अज लगता गा भी इधर बठिंडे वाले पासे दे खास करके तुहाडे पटियाले वाले पासे लीडरां नूं नींद नहीं आउणी आ कट्ठ दी। देखो गल यही है कि ये कट्ठ ना तो कोई पैसे नाल इकट्ठा किया होया ना कोई शराब के लालच नाल इकट्ठा किया जां भुक्की के लालच नाल इकट्ठा किया ये कट्ठ तो लोगों के ढिडों है। मैं भी आपकी गड्डी लेके आया मैनू किसी ने सद्या थोड़ा सी मैं तो योगदान पाउण आया है तो मैं मिलिया भी हाँ भाई ग्राहां उन्हां नूं ते होर भी लीडरां नूं क्योंकि मैं चलो निरंतर इस घोल नाल जुड़िया होया 15 सितंबर तो इस घोल नाल जुड़िया होया सो कहानी यही हैगी है कि ये घोल जिहड़ा हैगा अज लोगों का घोल बन गया। बहुत वधिया गल ये भी है खास करके वॉलंटियर भी देखे होणगे तुसीं ये भी एक अलग ही तरह का डिसिपलिन। देखो ये भाई ग्राहां का डिसिपलिन सब तो वध है किसान जथेबंदियों जो किसी जथेबंदे की गल करदा तो मैं ग्राहां की करदा इस करके नहीं कि मेरे पिंड बट नाल बट सांझी है जखेपल दे नाल ग्राहां लगती है नहीं इस करके कि उन्होंने अपने केटर नूं बहुत डिसिपलिन रख्या होया। आउण वाले समय दे विच की रंगत देखदे हो खास करके पंजाब दी? देखो पंजाब दी रंगत जिहड़ी हैगी है पहलां तां इह घोल दे जितण दे नाल रंगत चेंज होनी है क्योंकि पहली वड्डी गल तां हाले सारे लोगों का जिहड़ा हैगा कंसंट्रेशन जिहड़ा नज़रां ने उह इस घोल दे उत्ते ने लोग फिक्रमंद भी ने भी बहुत लंबा समां हो गया ऐ पर देश की हुकूमत जिहड़ी हैगी है उह हाले टस तो मस नहीं हो रही। तुहाडे गीत आ तुहाडे गीत सभ्याचार दे बड़े नज़दीक सीगे सभ्याचारक तुसीं गाया गा ते हुण जिहड़ियां लिखतां खास करके जिहड़े नौजवान मुंडे आ पैंटां शर्टां पाउण वाले जीन दीआं पैंटां पाउण वाले किसान एंथम वर्गे गीत आए किसानी अंदोलन वाले गीत आए इनकलाबी गीत आए बड़ा वधिया लगता हो। देखो कारण यह हैगा कि जदों इस तरह दीआं मूवमेंटां चलदीआं ने क्योंकि मैं तो बहुत कॉलेज लाइफ तो इन्हां घोलां नाल जुड़िया होया तो जदों कहिंदे ने साढ़े कॉलेज दे विच विद्यार्थी लहर चलती सी तो उदों भी इस तरह के लिखे जाते नक्सलैंड मूवमेंट वक्त भी इस तरह के गीत लिखे जाते अलग अलग मूवमेंटा के नाल जिहड़े हैगे ने कलमां लिखदियां ने
है, चाहे अज साडे स्वर्गीय जसवंत सिंह कमल होना ने हर मूवमेंट के उत्ते लिखिया हैगा, तो फर्ज भी बनता है, तो गायकों का भी फर्ज बनता है अपने लोगों नाल खड़न, लोगों वर्गा गाउण, लोगों लई गाउण, यह भी जरूरी है ना। कल पैसे कमाउण दीआं मशीनां तां नहीं गायक हैगे, तो गायक भी इन्हां लोगों ने बनाए हुए ने। पम्मी भाई गायक तो बाद च पहला किसान का पुत है। जी जी समय का धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये पम्मी बाई जो इतने अब बरनला पहुँचे ने, वक्ो वक् होर भी कलाकार अदाकार इतने बरनले की धरती पर पहुँचे ने। तो जिमें बई जी ने कहा भी लोग आप महारे आए हैं, पैसे दे के दारू दिया बोतलों नाली लोग लिया के आप महारे लोग आए हैं, अगे भी हाजिर होंगे रहेंगे किसानी अंदोलन तो हर एक खबर थोड़े तक पहुँचती करते रहेंगे। हम अपने दोस्त रतनदीप सिंह धालीवाल को दो इजाजत, देखते रहो आर एम बी टैलीविजन, धन्यवाद जी।